ऑल राइट, स्क्रीन शेयर हो गई आपकी और हमारे पास ये मैंने फोल्डर एक बनाया हुआ है यहाँ जी, ये A2। ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन, अच्छा हम ये डिस्कस कर चुके हैं, हम पहुंच गए थे, मैंने क्वेश्चन दिया था सफी आपको दिया था शायद एक क्वेश्चन ना, जो आपने मुझे शायद नहीं दिया था, और अब ये लेजिस्लेशन वाला। राइट, एक क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं वो भी निकाल लेता हूँ पेपर भी, ताकि आपके जेन में रहे। जी, ये पेपर था हमारे पास और हमने पहला क्वेश्चन देख रिव्यू कर लिया था, दूसरा भी, उसके दोनों पार्ट्स भी रिव्यू कर लिए थे, तीसरा पार्ट भी कर लिया था। और ये जो क्वेश्चन है, एवेल्युएट वेदर द ऑपरेशन मैनेजर राइट टू बी कॉन्फिडेंट दैट द न्यू मशीन विल बी रेडी फॉर प्रोडक्शन विद इन द 14 डे डेडलाइन, ये भी हमने एक बच्चे का देखा था, और श्याम आपका नहीं देखा क्योंकि आप थे नहीं कल, तो आपका मिस हो गया, तो रेगुलर आना जरूरी है क्लास में। एनीवे देख लेते हैं, अगर टाइम मिला तो आपका देख लेते हैं। फिर एवेल्युएट द लाइकली इंपैक्ट ऑन एपी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, ये सवाल सफिया आपने मुझे भेजा है, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि कल हमने इसको अटेम्प्ट नहीं देखा, किसी बच्चे ने किया नहीं हुआ था। राइट, हमने हम 4 पे चले गए थे और 4 हमने अच्छे से नकाश का भी क्वेश्चन देख लिया था, और मैंने आगे क्वेश्चन दिया था ये वाला, शायद नकाश को ही दिया था, से पांचवा आपने मुझे दिया आपको दिया था, लेकिन आप नहीं कर सके, कोई बात नहीं, तो इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेंगे ना सर, आज, मैं आपको आज भेज दूंगी। हम इस पर थोड़ी बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा मैं बात करूंगा जी, आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसको देखते हैं, तो जल्दी से पहले मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लूं क्वेश्चन पे, फिर मैं आंसर कर पाता हूँ। क्वेश्चन क्या है जी, ऊपर जाना पड़ेगा शायद, नीचे है, ये आ गया, ये वाला तो श्याम का है, श्याम आपको भी क्वेश्चन होपफुली शायद देख ही ले आज जी। एवेल्युएट द लाइकली इंपैक्ट ऑन एपी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन। अच्छा ओके, अब हमने यहाँ पर बताना है कि इंपैक्ट क्या होगा, पहले तो ये देख लें कि इसको करना कैसे था। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि इसमें ये 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसमें लेवल 2 नॉलेज, लेवल 2 एप्लीकेशन, लेवल 2 एनालिसिस और लेवल 3 इवैल्यूएशन चाहिए होता है। तो इसमें आप ऑफ कोर्स जो असल चीज है इवैल्यूएशन, वो आप क्या करेंगे कि आपको ये बताना है कि जो लेजिस्लेशन है इसका ओवरऑल अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा, ये आपकी इवैल्यूएशन होगी। तो जो आप बॉडी में भी इवैल्यूएशन करेंगे उसमें भी आप यही बताएंगे कि ये असर जो है ना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, या ये बैड इम्पैक्ट है या ये गुड इम्पैक्ट है, तो आप एलिशन बॉडी में इतना कर सकते हैं, और ओवरऑल आप एंड पे बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो एपी पे कैसा पड़ रहा है। अच्छा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, बुरा है कि नहीं पड़ रहा है, बट एवन, तो इस तरह से कुछ आप एलिशन इसकी करेंगे। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं, और पहले मैं आपको केस भी दिखा देता हूँ क्योंकि वहां क्या लिखा हुआ है, तो उसको भी देख लें ताकि आपके जहन में रहे। और वो है जी यहाँ पर, वो हिस्सा जो हमने देखना है वो है जनाब यहाँ करके, इसको मैं जरा इनलार्ज कर देता हूँ, ये हो गया, ये हमारे पास हिस्सा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज इज अबाउट टू इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन दैट विल रिक्वायर ऑल बिजनेसेस विद 200 और मोर एम्प्लॉइज टू क्या अलाउ ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब आपको अच्छे से पता है कि ऊपर तो पहले ही प्रॉब्लम चल रहा है, एम्प्लॉइज पहले ही नाराज है, हार्ड एचआर हम पहले ही ये फॉलो कर रहे हैं, और जो अनफेयर डिसमिसल की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा इनकी चल रही हैं, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ये दे रहे हैं, ठीक है, तो छुट्टियां वगैरह ये ज्यादा नहीं देते, सिक पे ये ज्यादा नहीं देते, तो प्रॉब्लम चल रही है। इसका मतलब है अब ट्रेड यूनियन के साथ उनको निगोशिएट करना पड़ जाएगा और शायद उनको उनकी कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, इस वजह से, तो ये आ सकता है इम्पैक्ट। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट दैट मैनेजमेंट एंड वर्क फोर्सेज आर कॉपरेटिंग, अब वर्क फोर्स के साथ कॉपरेट भी करना पड़ेगा, वर्कर्स के साथ भी, जो कि पहले वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है कि उनकी सजेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, अब खाली ऑर्डर्स नहीं देने होंगे, इसका मतलब उनको ओवरऑल ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन की, कि अब जिस तरह वर्कर्स पहले काम करते थे ऑर्डर्स फॉलो करके, उस तरह से नहीं हो सकेगा, अब ये प्रॉब्लम आ गई। फिर इंप्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, ये भी क्योंकि हमें नजर आ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था कि फीमेल्स भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको प्रमोशन के चांसेस नहीं दिए जाते और उनकी पे भी बहुत कम है, इसका मतलब है ये इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, कि मर्द और औरत में फर्क कर रहे हैं, मर्दों ने कंप्लेन नहीं की औरतों ने की है, तो इसका मतलब है इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है। और उसके अलावा जो डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि आपको यू हैव टू हैव अ मिक्स्ड ऑफ वर्कफोर्स, कि आपको डिफरेंट एरिया से रीजन से वर्कर्स को हायर करना है, ये भी वो कह रहे हैं कि आपको करना है, तो इस पे भी हम बात कर सकते हैं। अच्छा अब सवाल देखते हैं, सॉरी आंसर, कि उन्होंने क्या लिखा है, तो जरा हमें पता चले कि वो कहाँ तक सही है।
ये मैंने, लेट मी, चाहिए A2 का था जी, और इसमें सफिया का ये आंसर है, ये देख लेते हैं। अब ये भी ढेर सारा लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन इन्वॉल्व्स, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सकता सफिया, ये एक इशू है ना, पता नहीं आप इसको इस शायद तरह से पिक्चर। मैंने पहले एक सॉफ्टवेयर PDF से किया था, लेकिन वो उससे शेयर नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दिया है। अब ये हाँ थोड़ा प्रॉब्लम, बहरहाल मैं इसमें फिर हाईलाइटर इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं, हमारे पास तरीके हैं, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो अच्छा, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी और डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी एट एपी, इन्होंने पहले ये पॉइंट पकड़ा है, ठीक है। डाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस आर एम्ड एट क्रिएटिंग अ मिक्स्ड वर्कफोर्स, बिल्कुल सही, एंड प्लानिंग अ पॉजिटिव वैल्यू ऑन वेरियंसेस इन द वर्क प्लेस। सिमिलरली इक्वालिटी इज एम्ड एट अचीविंग अ फेयर ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरी वन इज ट्रीटेड इन द सेम वे, चाहे मेल हो फीमेल हो, विदाउट प्रेजुडिस, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, एंड हैज द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर पोटेंशियल। दिस वुड मेंट दैट, या वुड मीन होना चाहिए था दैट एपी वुड नाउ हैव टू इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय सर्विस एंड ट्रेनिंग टू इंश्योर दैट द पॉलिसी फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर देखा जाए तो कोई बच्चा बताए कि ये क्या बताया इन्होंने, क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो बता सकता है मुझे क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है यहाँ पर? ये कर रही है जी नॉलेज, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए हैं, उनको डिफाइन कर दें, लेकिन वो रहेगा लेवल 1 अनलेस वो आपकी डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, लेवल 1 नॉलेज, राइट। और आई जस्ट अपलोडेड अ वीडियो ऑन इंस्टा वेयर यू कैन सी के लेवल 1 और लेवल 2 क्या होता है। आई एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो आप इंस्टा पे वो वीडियो देख सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके ऑल राइट, तो ये भी साथ साथ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेवल 1 नॉलेज बिल्कुल शो किया हुआ है, और साथ उन्होंने ये बताया है कि इससे उनको सर्वे करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये लिख तो दिया, लेकिन ये कोई इम्पैक्ट शो नहीं कर रहा। इम्पैक्ट शो तब करेगा जब ये पता चलेगा कि कॉस्ट बढ़ेगी या जो भी है, तो इम्पैक्ट नहीं है तो ये एनालिसिस नहीं है, ये बस स्टार्टर है आप कह लें, लेकिन लेवल 1 नॉलेज से आगे जाता नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि उनको जो सर्वे एम्प्लॉयज के सर्वे करने हैं या ट्रेनिंग करनी है उसके लिए, तो इसमें एप्लीकेशन की अगर बात करें डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी की, तो इन्होंने मेंशन किया ना, पॉइंट एक पकड़ा है डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी का, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन भी मौजूद है, माना इम्पैक्ट कोई नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी चूंकि केस में लिखा हुआ है उसी के लिए उन्होंने कहा, उसके लिए इनको ये सर्वे और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने लेवल 1 एप्लीकेशन भी अचीव किया है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट तो इम्पैक्ट से आती है। अच्छा आगे पढ़ते हैं जी। एज एपी हैज मोर देन 200 एम्प्लॉइज, इट वुड नाउ हैव टू अलाउ, अच्छा मैं इसको ना हाईलाइट भी कर देता हूं कि ये सारा जो है, एक मिनट, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, मैं इसको और कलर करता हूं, ये वाली, ये एक्चुअली एप्लीकेशन है, राइट, दिस इज एप्लीकेशन, और बाकी जितना सारा लिखा हुआ है वो सारे का सारा जो है वो नॉलेज में ही कंसिडर होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो लेवल 1 नॉलेज ही माना जाएगा, ये सारे का सारा ये लेवल 1 नॉलेज है, राइट। अच्छा ये डबल लाइन लग गई इधर, एक मिनट, इस तरह ही लाइन लग सकती हैं आप, तुम्हें जारी पता है और मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अच्छा फिर, एज एपी हैज मोर देन 200 एम्प्लॉइज, इट वुड नाउ हैव टू फॉलो ट्रेड यूनियंस, ओके, तो ये भी क्या शो कर रही है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है राइट, वहां लिखा हुआ है, ठीक है एप्लीकेशन। अच्छा देखते हैं लेवल 2 है कि नहीं। इट वुड नाउ हैव टू अलाउ ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, दिस कुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, अच्छा ये आ गया, ये इंपैक्ट आया पहला, दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूली अपॉइंटेड एचआर मैनेजर एम्प्लॉइज आर रिफ्यूजिंग टू वर्क ओवर टाइम, वो नहीं कर रहे, सारी बात है, तो ये इसका मतलब है एक और एप्लीकेशन आ गई, बहुत अच्छे से यूज किया अपनी डेवलपमेंट में, ये थोड़ी लाइन नीचे चली है लेकिन करें क्या आप, ठीक है ओवर टाइम ये एप्लीकेशन है और डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रही है, एंड विद द हेल्प ऑफ
ट्रेड यूनियन दे विल नाउ बी फॉर्म्ड ऑन देयर दे विल नाउ बी फॉर्म ऑन देयर स्टेटमेंट दिस वुड मीन दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर स्लाइड्स ईटीसी और अ सडन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट एपी वुड रिक्वायर टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स विच विल नॉट बी पॉसिबल एज एम्प्लॉइज विल नॉट बी अवेलेबल टू वर्क. सारी बात तो नहीं होंगे. इसका मतलब है इन्होंने एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया, एनालिसिस भी है, और उन्होंने कैरी ऑन किसको किया है, जो एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे क्योंकि वो काम करना नहीं चाह रहे, एचआर मैनेजर कह रहा है, तो वो फिर टाइम पे काम भी पूरा नहीं होगा. तो बिल्कुल सही. तो एज एम्प्लॉइज विल नॉट बी अवेलेबल टू वर्क ओवर टाइम ड्यू ड्यू टू द न्यू लेजिस्लेशन. ये सेकंड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ. दिस कुड रिजल्ट इन एपी लूजिंग इट्स पोटेंशियल कस्टमर्स और अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज सेल्स लीडिंग टू लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट फॉर एपी. गुड. तो अब मैं इसको, ये मैंने एप्लीकेशन तो पहले ही आपको शो करी दी हुई है, मैं इसको अब कलर कर देता हूँ दूसरा, कि ये जो सारा है ये इनका एनालिसिस चल रहा है. पोटेंशियल आउटपुट आ गया, आगे एप्लीकेशन चल रही है, उसके बाद उन्होंने इम्पैक्ट शो किया एक कि वो काम नहीं करेंगे. अब आउटपुट हो गया ना, आउटपुट का नुकसान हो गया, और इमरजेंसी में जब ऑर्डर आएंगे तो वो पूरा नहीं कर सकेंगे प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट वगैरह की, ठीक है, एक्स्ट्रा आवर्स नहीं दे सकेंगे जिससे एम्प्लॉई चूंकि अवेलेबल नहीं होंगे, उससे क्या होगा, उससे दूसरा इम्पैक्ट, उससे वो पोटेंशियल कस्टमर को लूज कर देंगे, और लूज करने से क्या होगा, उससे सेल्स और प्रॉफिट भी चला जाएगा. तो तीन इम्पैक्ट इन्होंने शो किए हैं. तो इसका मतलब है कि इनका यहां पर लेवल टू एनालिसिस भी हो गया, और चूंकि इन्होंने जो ग्रीन लाइन मैंने शो की हुई है तो लेवल टू एप्लीकेशन भी मौजूद है, राइट. अब आप गौर करें, ये बड़ा सवाल है, तो इसके अंदर नंबर कितने मिल गए, इधर गौर करें. नंबर इनको नॉलेज का एक नंबर मिल गया, एप्लीकेशन का दो एप्लीकेशन का नंबर है ना. अब आप यहाँ पे गौर करें, दोबारा बता रहा हूँ, ये जो सवाल है ना 12 नंबर का, इसमें कोई कहा नहीं जाता कितने पॉइंट लिखने. तो आपके दो नंबर एप्लीकेशन के हैं लेवल टू, लेवल टू एप्लीकेशन कहीं पर भी शो कर दिया आपने पूरे क्वेश्चन में, आपको एप्लीकेशन के दो नंबर मिल गए, आप एप्लीकेशन की टेंशन से आजाद हो गए. लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि जो भी पॉइंट लिखें उसमें कोशिश करें कि ये आप डेमोन्स्ट्रेट करते रहें, जहां नहीं होता कोई बात नहीं, आपने एक जगह शो कर दिया ना तो दो नंबर मिल गए एप्लीकेशन. इसी तरह लेवल टू एनालिसिस आपने एक जगह शो किया है, किसी एक जगह और शो कर दें तो आप इसमें भी, चूंकि ये 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे भी 3 से 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि लेवल टू के 3 से 4 नंबर है, एक जगह भी शो किया हुआ. लेकिन 3 से 4 नंबर लेने हैं तो ऑफकोर्स आप कोशिश करें कि दो पॉइंट एटलीस्ट डेवलप जरूर करें जिसमें चेन बनाए. कोशिश तो यही है कि हर पॉइंट में ऐसे ही करें, चेन बनाएं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, वो बेहतर है ताकि कहीं पर भी मिस ना हो. लेकिन आपने यहाँ लेवल टू इस्तेमाल किया, इसका मतलब है आपको यहाँ पर 3 से 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है, समझ जाए बात को. 3 नंबर तो दे ही सकता हूं मैं आपको यहाँ पर. अच्छा आगे चलते हैं. हाउएवर द इंपैक्ट ऑन एपी ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन. अच्छा कोई सवाल पूछ रहा है सर, एनालिसिस के तो दो नंबर होते हैं. अच्छा हाँ वाकई गलती होगा, असल में ये है वो ना, मैं एवेल्यूएशन मिक्स कर देता हूँ बाद का, दोनों क्लासेस साथ ले रहे हो ना, बिल्कुल सही, तो सॉरी माय बैड. तो आपको एनालिसिस के दो नंबर है तो दो नंबर मिल गए, या मिल गए ना, तो अब आप कहीं एनालिसिस करते हो या नहीं करते हो टेंशन नहीं है, लेकिन ये आपने ऐसे ले नहीं लेना, इजी नहीं हो जाना कि चलो आप तो हमने एनालिसिस नहीं करना, आपने करते रहना है. लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि कितना आसान है नंबर लेना ये P3 में, कि आपको लेवल टू अचीव कर लिया एक जगह, दो मिल गए, खत्म. लेवल टू एप्लीकेशन कर लिया, दो नंबर वहां मिल गए, चार हो गए, और नॉलेज के तो 5 नंबर तो यही मिल गए आपको. सवाल आपने दो पैराग्राफ लिखे, 5 नंबर मिल गए. तो ये समझे कि सवाल की लेंथ मैटर नहीं कर रही, मैटर कर रहा है कि एग्जामिनर के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं उनको अचीव कर रहे हैं कि नहीं. अच्छा हाउएवर द इंपैक्ट ऑन एपी ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन माइट नॉट ऑलवेज बी अनफेवरेबल. अच्छा यहाँ पर अब शायद ये वैल्यूएशन करने की कोशिश कर रही है, क्यों ये यही कोशिश कर रही है, जी सर, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया है. एड्रेस किया है कि जो लेजिस्लेशन है वो शायद उनके लिए बुरी ना हो, तो यहाँ पर आप ये बताओ हाँ कि ना हो, सही है ये बात आपकी, ये वैल्यूएशन में आप आ गई. दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूली अपॉइंटेड एचआर मैनेजर देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट अथॉरिटेरियन मैनेजर्स हु नेवर लिसन टू एम्प्लॉइज. Hence, the introduction of trade union and collective bargaining could mean improved managers and workforce relations. This is because due to collective bargaining, now there will be two-way communication between the workers and managers, and it will be easier to reach a content decision.
दिस माइट लीड टू, ये इम्पैक्ट आ रहा है, दिस माइट लीड टू अ डीमोटिवेटेड वर्कफोर्स विलिंग टू एक्सेप्ट देयर, सॉरी माइट लीड टू अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स विलिंग टू एक्सेप्ट देयर एम्प्लॉयर्स टर्म्स, हेंस एक और इम्पैक्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी आउटपुट फॉर एपी लीडिंग फॉर टू अ गुड रेपुटेशन, एक और इम्पैक्ट इंक्रीज सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज प्रॉफिट, वेरी गुड, मल्टीपल इम्पैक्ट यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैंने बतानी है कि अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से एप्लीकेशन इस्तेमाल की है, क्यों कहाँ पर कि यहाँ जो लिखा है अकॉर्डिंग टू द न्यूली अपॉइंटेड एचआर मैनेजर देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट द थर्ड ईयर मैनेजर्स हु नेवर लिसन टू एम्प्लॉइज, ये जो बात है ये एप्लीकेशन को शो कर रही है, और नहीं शो करते तो इसका मतलब है इनका रिलेशन अब इसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, एप्लीकेशन को ही आगे लेके जा रही है कि अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैनेजर वो उनकी सुनेगा, रिलेशन अच्छे होंगे, तो इसका मतलब है क्योंकि आगे मुझे मैंने देख लिया कि एनालिसिस हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये लेवल टू एप्लीकेशन पे हम पहुंच गए। और आगे मैं अगर इम्पैक्ट देखूं तो आपको नजर ही आ रहा है कि उससे क्या हो रहा है जी, कलेक्टिव बार्गेनिंग जब होगी तो मैनेजर और वर्कफोर्स का रिलेशन अच्छा होगा, उससे क्या होगा, उससे टू वे कम्युनिकेशन होगी और वर्कर्स और मैनेजर के दरमियान डिसीजन, सही आप लिखा कंटेंट रीच अ कंटेंट डिसीजन या क्विक डिसीजन ऐसे कह सकते हैं आप, ये होना चाहिए था, ठीक है, ये होगा, उससे क्या होगा, वर्कर मोटिवेट होंगे और एम्प्लॉयर्स की टर्म्स को वो कॉपरेट करेंगे, ठीक है, और उससे क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, उससे रेपुटेशन अच्छी होगी, सेल्स अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब है इन्होंने यहाँ पर भी लेवल टू एनालिसिस अचीव किया हुआ है, लेवल टू एनालिसिस आ गया है। अच्छा आप आगे चलते हैं तो अब देखो यहाँ पे भी लेवल टू आ गया, लेकिन लेवल टू के दो मिल गए, अब ज्यादा तो नहीं मिल सके ना। आगे द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू, सर हाँ जी सर इवैल्यूएशन कितने मार्क्स मिले हैं? हाँ, अच्छा एवेल्यूशन तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो एनालिसिस पे लग गया, हाँ तो ये सॉरी ये मैंने चेन ही बताई थी, तो आपने जो बात बताई है, सॉरी मैं हमेशा पे ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, गलत लिख देता हूँ, जेन मेरा चल रहा था ना आगे, असल में तो ये आपने तो वेरिएशन ही बताई है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया और बताया है कि किस तरह ये अच्छा हो सकता है, इसका इम्पैक्ट कैसे अच्छा हो सकता है, तो दिस इज एवेल्यूएशन ना, लेवल टू एवेल्यूएशन, तो अब इसका मतलब है आपको एवेल्यूएशन के भी 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि लेवल टू एवेल्यूएशन के 4 नंबर होते हैं टोटल, ठीक हो गया ना सफिया, जी सर, आगे चलते हैं, तो आगे हम आ जाते हैं, तो ये लेवल टू की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉर्मली एनालिसिस में होता है, लेवल टू वैसे भी अचीव कर चुके हैं ना, तो मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कॉन्टेक्स्ट में एवेल्यूएशन की हुई है। आगे द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन पॉलिसी वुड मीन दैट एपी वुड हैव टू शिफ्ट देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज, ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया है, ये नॉलेज ही है ना, ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज लिखा तो नहीं हुआ ना केस में, के लिखा हुआ है, सही केस में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है तो फिर एप्लीकेशन है, नॉलेज तो ठीक डिसेंट्रलाइज नहीं लिखा हुआ केस में, सेंट्रलाइज लिखा हुआ है। है। अच्छा दिस इज बिकॉज बिफोर द न्यू लेजिस्लेशन ऑल लाइन मैनेजर्स फॉलो स्ट्रिक्ट कंपनी गाइडलाइंस व्हिच फोकस ऑन कंट्रोल एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस मींस ऑल द डिसीजन मेकिंग लाइज ऑन द ऑन टॉप ऑफ द हायरार्की, अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉलेज भी शो किया हुआ है, नॉलेज को हम किससे शो कर रहे हैं, काफी लंबा आंसर लिख दिया आपने वैसे, सर मैंने यहाँ पे लेवल टू नॉलेज अचीव करने की कोशिश की क्योंकि मैं ऊपर नहीं कर पाई थी। ऊपर नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पर आपने जो लिखा आपने डिसेंट्रलाइज तो लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज नहीं लिखा हुआ था, ये नॉलेज आपने एक बिजनेस कॉन्सेप्ट शो किया, लेवल 1 नॉलेज ही माना जाएगा ये, और उसके बाद आगे जो आपने कहा कि ये सेंट्रलाइजेशन जो है ना वो डिसीजन मेकिंग होती है, जिसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग टॉप पर होती है, टॉप ऑफ द हायरार्की, अच्छा ये अभी भी लेवल 1 नॉलेज ही है। आगे आपने कहा हेंस देयर वर नो सजेशंस टेकन फ्रॉम द वर्कर्स एंड दे जस्ट हैव टू फॉलो ऑर्डर्स, तो ये भी आप सेंट्रलाइजेशन को ही एक्सप्लेन कर रही हैं, अभी तक आपने सेंट्रलाइजेशन का इम्पैक्ट, सेंट्रलाइजेशन को इम्पैक्ट में इस्तेमाल नहीं किया डेवलपमेंट, अभी तक किया कहीं बताओ सफिया, नहीं सर, मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ। हाँ तो अभी तक जो मैंने रेड लाइन लगाई है सिर्फ लेवल 1 नॉलेज ही चल रही है, जब तक आप अपने पॉइंट को डेवलप करते हुए नॉलेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं देखता हूँ आगे आपने क्या किया कि हाउएवर द न्यू लेजिस्लेशन फोकसेस ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट मैनेजमेंट एंड वर्क फोर्सेज आर कोऑपरेटिंग, हेंस एपी वुड हैव टू शिफ्ट टू अस, अब आप कहीं और चली गई हो, तो आई एम सॉरी टू से सफिया आपका लेवल 2 नॉलेज अचीव नहीं हुआ,
और मैंने जो अभी वीडियो शो की है आपको इंस्टा पे, उसको देख लीजिएगा, वहां मैंने Level 2 नॉलेज को एड्रेस किया हुआ है ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए और बाकी बच्चे भी देख सकते हैं वो, तो Level 1 नॉलेज ही है। अच्छा आगे, अब हाउवर, अच्छा हेंस एपी वुड हैव टू शिफ्ट टू अ सॉफ्ट एचआरएम अप्रोच, अच्छा ये बता रहे हैं, विच फोकसेस ऑन गिविंग एम्प्लॉइज द फ्रीडम टू परसू देयर प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड पैशन एट द वर्क प्लेस, तो ये क्या है वो बताएगा मुझे, जो फोकस करता है कि लेवल 1 नॉलेज, सही डेफिनेशन है ये भी लेवल वन नॉलेज। नॉलेज, हाँ जी ये भी Level 1 नॉलेज ही है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि अभी तक बिजनेस पे इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा, तो ये सॉफ्ट एचआरएम ये भी Level 1 नॉलेज है। अच्छा दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये ना अफेक्ट की बात आई, एज एज द प्रोडक्शन एम्प्लॉइज आर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एंड रिसीव मिनिमल ट्रेनिंग हैंस दे वोंट बी एबल टू एडजस्ट टू द सॉफ्ट एचआरएम, ये इम्पैक्ट पहला अप्रोच, एज दे वोंट डू नॉट हैव एम्पल ट्रेनिंग टू कैरी आउट प्रोडक्शन ऑन देयर ओन, दिस कुड लीड टू फॉल्टी इक्विपमेंट, दूसरा इम्पैक्ट, हेंस डैमेजिंग एपीज रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी आउटपुट, तीसरा इम्पैक्ट, एज अ रिजल्ट रिड्यूसिंग रिपीट सेल्स एंड इंक्रीज स्प्रेड ऑफ बैड वर्ड ऑफ माउथ, चौथा इम्पैक्ट, रिड्यूसिंग एपीज ओवरऑल सेल्स एंड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट एज अ रिजल्ट, तो मल्टीपल इम्पैक्ट शो किए हमें आपने जबरदस्त, और कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है इसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर है इसमें, है कॉन्टेक्स्ट, बारह Level 2 सही कॉन्टेक्स्ट है, हाई क्वालिटी आउटपुट जी, तो ये बिल्कुल, तो ये और आपका अनस्किल्ड वर्कर्स। हाँ मैं वही उसी को एड्रेस करने लगा हूँ कि Level 2 एनालिसिस तो आपने अचीव कर लिया, तो ये आपका क्यों नहीं आंसर खत्म होता खुदा के लिए। अच्छा तो छोटा करो, इतना आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। अच्छा अब Level 2 में अगर वो एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है, मैं आपको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ इसको ग्रीन से ना हम कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है द प्रोडक्शन एम्प्लॉइज आर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एंड रिसीव मिनिमल ट्रेनिंग, तो ये एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन को आगे इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है कि ट्रेनिंग नहीं मिल रही तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, फॉल्टी प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने इस्तेमाल किया है एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में, तो ये बन जाती है Level 2, यानी कि किधर है जी, हाँ ये तो एनालिसिस था, एवेल्यूशन मैंने ग्रीन ही किया हुआ है, एनीवे कोई और कलर कर देता हूँ, वो कलर तो बहुत से आ गए हैं, ये जो है ये सारा Level 2 एनालिसिस है लेकिन एप्लीकेशन को एनालिसिस में इस्तेमाल किया गया, ट्रेनिंग को किया गया ना, ट्रेनिंग को ही आगे उसी का इम्पैक्ट आगे बताया गया, लिंक किया गया, क्यों सफी ऐसे ही है ना, जी सर ऐसे ही है। हाँ। और नॉलेज की अगर बात करूं, ये अभी बात की है किसी बच्चे ने, शायद नकाश ने की है, नकाश आपने की है शायद, मैं देख लेता हूँ जी, ये कह रहे हैं जी क्योंकि सॉफ्ट एचआरएम को डेवलपमेंट में यूज किया हुआ है, गुड, उन्होंने सॉफ्ट एचआरएम को मेंशन किया और बाद में बताया कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही तो ट्रेनिंग देनी, मैं अगर पढ़ता हूँ सॉफ्ट एचआरएम विच फोकसेस ऑन गिविंग एम्प्लॉई फ्रीडम दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सॉफ्ट एचआरएम तो ये फॉलो नहीं कर रहे, ये तो फॉलो कर रहे हैं हार्ड एचआरएम है, दिस विल नहीं, डायरेक्टली, अब सॉफ्ट एचआर हम फॉलो करेंगे ना, मैंने यही शो किया कि अब सॉफ्ट हाँ एचआर हम फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इफेक्ट होगा, इसका ये इफेक्ट मतलब है है सॉफ्ट। कि आपने नॉलेज को भी डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया सॉफ्ट एचआरएम के और एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल किया, तो मैं अब यहाँ पर चेंज कर देता हूँ क्योंकि पढ़ा बाद में, ये आपने Level 2 नॉलेज अचीव कर लिया, गुड, और आपका Level 2 एनालिसिस भी हो गया और Level 2 एप्लीकेशन तो पहले का ही हुआ है, तो Level 2 एप्लीकेशन सॉफ्ट एचआरएम को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया, Level 2 नॉलेज, स्किल्ड जो सेमी स्किल्ड थे वो उनको आपने आगे बताया कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती तो उससे वो उनका नुकसान हो जाएगा प्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे, तो अब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सफिया क्या कहती हो, सफिया जी सर सॉफ्ट एच आर है। नहीं अब आप जो फॉलो कर रही हो किसको, जी कौन जी सा पॉइंट सर बता रही है, सॉफ्ट एचआर ना, तो आपने जो लिखा कि प्रोडक्शन एम्प्लॉई था अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो पहले थे, तो अब उनसे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अगर वो सेमी स्किल्ड है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे सॉफ्ट एचआरएम को क्योंकि ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो उनको नहीं आती, उनको प्रॉब्लम होगी जिससे शायद वो उस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस ना कर सके, या आप ये लिख सकती थी डीमोटिवेट हो जाए क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो गया, लीड टू फॉल्टी इक्विपमेंट या
आप डीमोटिवेशन का कॉन्सेप्ट भी सवाल कर सकती थी, क्यों सफिया, है ना? जी सर, एक्चुअली मैंने पहले मोटिवेशन का कुछ लिखा था ऊपर, इसलिए मैंने कहा कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ओके मैंने फाइन, पिछले पैराग्राफ में लिखा था। आगे चलते। अब तक नंबर कितने मिल गए? देखिए जी, लेवल टू एप्लीकेशन मौजूद है, एक जगह है, 2 नंबर मिल गए। लेवल टू नॉलेज भी अचीव हो गया, 2 मिल गया, और 4। लेवल टू एनालिसिस भी हो गया, 6। लेवल टू वैलेशन भी अचीव किया, तो आप समझ लो आपके 8 से 9 नंबर बन चुके हैं। ठीक है, आपने अब इसकी वैलेशन नहीं की। अच्छा, नीचे कर रही हो आप, देख लेते हैं। हाउ आर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेजिस्लेशन पॉलिसी विल अनलाइकली अफेक्ट एपी इफ द मर्जर विद एससी गोज ऑन। आपने कहा इम्पैक्ट नहीं भी कर सकती, दिस इज बिकॉज, अब आप ये अपने आर्गुमेंट के बारे में बता रही हो, उसी आर्गुमेंट के बारे में वैल्यूएशन करनी थी ना सफिया। जी सर, आप आगे देखें, आगे इसके अंदर पढ़ता हूँ, है मैं आगे बाकी। पढ़ता हूँ। अच्छा, बहरहाल आपने इफेक्ट जो पहली लाइन लिखी है वो बता रही है कि आप वैल्यूएशन कर रही हो, आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एड्रेस कर रही हो। अच्छा, दिस इज बिकॉज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर इन लाइन विद न्यू लेजिस्लेशन एज द एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम एससी विल मोर इजिली एनेबल मीटिंग न्यू लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि एससी जो है वो पहले ही सॉफ्ट एचआरएम फॉलो कर रहा है। वेरी गुड, तो आपने कहा आसानी होगी। दिस इज बिकॉज एससी हैज अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इट्स मैनेजर एंड वर्कफोर्स आर स्किल्ड एंड फ्लेक्सिबल, दिस वुड मीन दैट द वर्कर्स विल नॉट हैव डिफिकल्टीज इन ऑपरेटिंग द प्रोडक्शन विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप, एंड विद देयर स्किल्स एंड एपी रिसोर्सेज दे माइट बी एबल टू फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट, दिस माइट लीड टू सेटिस्फाइड कस्टमर्स, रिपीट सेल्स, इंक्रीज सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिट फॉर एपी। अच्छा, ये आपने वैल्यूएशन की भी है, डेवलप्ड है, इसमें कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है, आपने लिखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात, वो ये कि आपने जो कहा कि एससी जो है वो फॉलो कर लेगी, तो केस तो एपी का है, इसका जवाब दो। ये आपने कहीं नहीं लिखा, केस तो एपी का है, तो एससी के आने से क्या, आपने लिखा कि एससी के आने से वो एपी की कैसे हेल्प करेगी इस न्यू लेजिस्लेशन को फॉलो करने में, ये वर्ड लिखा नहीं लिखा सर, आपने मैंने कहा। ऊपर लिखा है कि इफ द मर्जर विद एससी गोज ऑन, हाँ, तो उससे क्या होगा, दिस इज बिकॉज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन लाइकली टू बी मोर इन लाइन विद आपको लेजिस्लेशन। ये क्या, सर, अगर आपको ये, मर्जर हो हाँ जाएगा तो वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, तो फिर वो ज्यादा मिलके काम कर सकेंगे। ये आपने लिखा नहीं ना, ये दानो लिखा, एससी विल मोर इजीली एनेबल मीटिंग न्यू लेजिस्लेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर बता रहा हूं, यहाँ पे लिखना था एंड हेल्प एपी या एंड गाइड एपी हाउ टू एडजस्ट टू दोज न्यू लेजिस्लेशन, टू द न्यू लेजिस्लेशन, टू द न्यू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन विदाउट मच फस। क्लैरिटी दो ना, समझ आई? अब समझ आती है कि एससी को आपने बताया तो वो वैल्यूएशन कैसे बन रही है, कहना आप यही चाह रही थी, लेकिन आपकी वर्डिंग में वो नजर नहीं आ रहा था, समझ आ रही है? जी सर, अच्छा, तो ये आपका बिल्कुल, ये सारी की सारी जो आपने बात की हुई है, ये सारी एवेल्यूशन है इन द बॉडी, और ये कॉन्टेक्स्ट में भी मौजूद है, वेल डेवलप्ड भी है, और आपने अच्छे से चेन भी बनाई हुई है इसके अंदर, तो ये सारी की सारी हम यहाँ लिख देते हैं, ये एवेल्यूशन है, एवेल्यूशन, और कौन सी वाली जी, लेवल टू। टू अच्छा थ्री नहीं, 2 ही आएगी ना, क्योंकि 3 तो फाइनल में आती है ना, जब आप समाप्त करते हैं सारा कुछ। अच्छा, आगे आप इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन, अच्छा आप गौर करो, आपने जो वैल्यूएशन दी है दोनों में, तो दोनों में आपने अगर गौर करो तो दोनों आर्गुमेंट में आपने एक में कहा है कि वो फेवरेबल शायद ना हो, एक में आपने कहा है, नहीं आपने क्या लिखा है, सॉरी, एक में आपने कहा है कि वो शायद अनफेवरेबल ना हो, ठीक है, और दूसरी जो आपने वैल्यूएशन की है उसमें आपने कहा है कि उसमें भी शायद अनफेवरेबल ना हो, है ना, दोनों एक ही तरफ गए हैं ना आप, ठीक है। इसका मतलब है ये हुई बात जो मैं बताना चाह रहा था, गौर करें, 20 नंबर के सवाल में भी ये ध्यान में रखें, ये बच्ची ने एवेल्यूशन की है बॉडी में, और दोनों में इसने जो एवेल्यूशन की है उसमें यही बताया है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा, क्यों सफिया ऐसे किया ना। जी सर, मैंने दोनों की वैल्यूएशन पॉजिटिव दिखाई है। हाँ, तो ऐसे ही करना है, ये सुनो, अब अगर आपने पॉजिटिव दिखाई है तो आपकी फाइनल वैल्यूएशन में भी इन
अब इन दोनों की सपोर्ट शामिल हो गई आपकी फाइनल वैल्यूएशन में, और अब आप इन दोनों को अगर थोड़ा थोड़ा यूज भी करते हो, इन दोनों वैल्यूएशन को जो आपने की है, तो वो अच्छी बात है, वो लेवल 3 में काउंट होगी। लेकिन उसके अलावा और भी बात करनी होगी। तो ये मैं कह रहा था कि जब आप बॉडी में वैल्यूएशन करते हैं तो वो एक डायरेक्शन को जानी चाहिए, और आपने लेवल 3 वैल्यूएशन पहले ही सोच लेनी है कि हमने फेवर में जाना है कि अगेंस्ट जाना है। तो बॉडी में भी वैल्यूएशन उसी हिसाब से करनी है। तो अब आपको सपोर्ट मिल जाएगी लेवल 3 में आसानी से। अच्छा, इन व्यू ऑफ दोज अबव डिस्कशन आई इट कैन बी वैल्यूएटेड दैट ऑल्दो ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव ट्रेड बार्गेनिंग यूनियन लीड्स टू इम्प्रूव वर्कफोर्स एंड मैनेजर रिलेशंस, हाउएवर इट इज नॉट मेंशन इन द केस दैट वेदर मैनेजर्स आर ट्रेन टू बी कोऑपरेटिव विद द वर्कफोर्स और नॉट, हेंस अज्यूमिंग दैट द रिलेशन बिटवीन द क्रू एंड मैनेजर विल ऑलवेज वर्क आउट कुड लीव एपी इन अ ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, आप लिख रहे हैं कि पता नहीं है हमें क्या होगा, और थोड़ा फैक्ट बताया आपने। फर्दर मोर इफ द मर्जर विद एसी गोइंग अहेड दिस वुड मीन रिडंडेंसी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू कीप ओनली द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज। अच्छा, एज अ रिजल्ट, आगे आप इम्पैक्ट बता रही हो ऑफ दिस, द न्यू ऑर्गेनाइजेशन माइट नॉट बी फॉलोइंग इन इन लाइन विद द न्यू लेजिस्लेशन। ठीक है, दैट क्योंकि आपके पास एम्प्लॉई छोड़ के चले गए, नहीं चाहिए। दैट फोकसेस ऑन इंप्लीमेंटिंग डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी अमंग द वर्कफोर्स, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज नो कंक्रीट गारंटी दैट देयर विल बी अ बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑन एपी एज द न्यू लेजिस्लेशन हैज अफेक्टेड एपीज कोर डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन एंड एचआर। दिस मींस दैट इन द शॉर्ट रन इट माइट लीड टू इंक्रीज कॉस्ट फॉर एपी टू ट्रेन देयर एम्प्लॉइज टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन स्ट्रक्चर। हाउएवर इन द लॉन्ग रन अफेक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन कुड बी इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज एज इट इज फॉलोइंग गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। बहुत अच्छी बात है, आपने क्या किया, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाला जो फार्मूला था वो इस्तेमाल किया, वेरी गुड। लेकिन एक चीज मैं और बता रहा हूँ कि आप इसमें ये इस्तेमाल कर सकते थे कि इम्पैक्ट इसका बताना जरा मुश्किल है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन आपने बता दिया, क्योंकि आपने ऊपर वेलेशन में बताया हुआ है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना बुरा नहीं है। यहाँ आपने बता दिया कि इम्पैक्ट बुरा भी हो सकता है, तो आप ये बता सकती हो कि ऑन द ग्राउंड या ऑन द अबव डिस्कशन कि इसके अच्छा इम्पैक्ट भी है और बुरा भी है, ये लिख देती उन दोनों वेलेशन को सपोर्ट करते हुए ना। तो ये इस तरह आपको जरा थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है और लेवल 3 वेलेशन अच्छी हो जाती है कि जैसे मैंने ऊपर वेलेशन की हुई है बॉडी में तो उसमें ये बुरा इम्पैक्ट नहीं भी डाल रही, लेकिन ये एक इम्पैक्ट आ भी रहा है जैसे आपने लिखा रिडंडेंसी वाला। तो मेरा ख्याल है कि शॉर्ट रन के अंदर शायद वो इस तरह हो कि बुरा इम्पैक्ट आएगा जैसे मैंने शो किया है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग रन में वो फायदा देगा जैसे ऊपर आपने बॉडी में वैल्यूएशन की है कि अनफेवरेबल इम्पैक्ट नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। क्यों सफी, ऐसे ही है ना? सर मैंने जिस तरह से आप लेवल 3 होता है ना कि ऊपर वाली वैल्यूएशन को भी थोड़ा सा मेंशन करते हैं, मैंने किया है स्टार्टिंग में कि इन द इन हाँ व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन इट कैन बी वैलिडेटेड ऑल द ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग नीड्स टू इंप्रूव वर्कफोर्स एंड मैनेजर रिलेशंस हाँ ठीक हाउएवर। ठीक हाँ, तो ये इस तरह, वही मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह करना है। और थोड़ी क्लैरिटी मतलब समरी एज इट इज नहीं बयान कर देनी जो ऊपर वेलेशन की है, लेकिन उनको आप यूज कर सकते हैं एज सपोर्टिव मटेरियल के। हम ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं, उसका तो फायदा ये होता है कि लेवल 3 में आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कम भी लिखते हो तो ऊपर वाली डिस्कशन का सहारा लेके ऊपर 4 नंबर आपको पहले ही मिल गए हैं लेवल 2 वेलेशन के, तो आप नीचे आपको सिर्फ 2 नंबर चाहिए। तो आप उनको कहो कि एज अ सपोर्टिव मटेरियल इस्तेमाल करो थोड़ा सा कि जैसे हमने बताया, और फिर एक नई बात करके जैसे शॉर्ट रन लॉन्ग रन की है तो आप बात खत्म कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात जो आपने लेवल 3 में की हुई है ये करने की जरूरत नहीं थी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर वेलेशन कर चुकी हो, टाइम बचाना है ना, वरना टाइम मैनेज नहीं होगा आपसे, ये बता रहा हूँ। तो ये आपका लेवल 3 बिल्कुल अचीव होती है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने सारा कुछ ही